तो देखिए हमने मुरही बना लाए, अगला वीडियो में उसका रेसिपी बताई, वो बना लिए। अब चूड़ा वाला बनाने जा रहे हैं। चुड़लाए हमारे इधर चुड़लाए बोला जाता है। तो एक गिलास पानी इसमें डाल दिए, इस गिलास से और थोड़ा डाल देते हैं, डेढ़ गिलास लगभग। और इसमें इसमें भी दो गुड़, गुड़ का ढेकरी इस तरह दो ठो डाल दीजिए। और इसे मैल धोने दीजिए जब तक ये पूरा मिले। बस कर दीजिए, बस कर। हेलो दोस्तों, तो देखिए ये भी चाशनी की तरह हो गया है अभी। और आप इसे, हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग भी सीख सकेंगे, जिन्हें नहीं बनाना आता है, जो नई नवेली दुल्हन है या जो नए लोग हैं उनके लिए। अगर इस तरह से गुड़ चाशनी की तरह हो जाए, उसके बाद ये गुड़ लोहिया, जैसे मसाला भूजते हैं सब्जी को तो लोहिया कड़ाही छोड़कर और तेल में तैरने लगता है, गोल मोल हो जाता है, उसी तरह से ये गुड़ भी कड़ाही छोड़ने लगता है इस तरह से। और ये देखिए गोल गोल मसाला की तरह होने लगता है ये। तब आप समझ जाइए कि ये मेरा गुड़ मुढ़ी वाला या जो भी बनाने के लिए आप रखे हैं मेटा, वो बनकर ये तैयार हो गया है गुड़। आप समझ सकते हैं जो इस उसी तरह से मसाला की तरह से जब गोल मोल होने लगे ये गुड़, तब आप इसे उतार कर और इसमें जो मिलाना चाहते हैं, तिल, बादाम या मुरही या चूड़ा, वो मिलाकर बना लीजिए गोल गोल लाए। तो अब ये मेरा गुड़ बनकर तैयार हो गया है। मुझे आता है तो मुझे पानी में डालकर चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए इस तरह से बताई और उसमें पानी में डालकर मैं ट्रिक बताई जो आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ऐसे मसाला की तरह वाला ट्रिक बताई। तो ये देखिए गोल मोल होने लगा है ना, तो ये बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें चाहे तो मुरही का या तिल का या गुड़ कुछ भी डालकर बना लीजिए। अब तो हेलो दोस्तों, ये देखिए हमने गैस बंद कर दी और इसमें चूड़ा मिला रहे हैं, क्योंकि मैं मुरही वाला बना लिया और वो बताए भी आप सभी को अगला वीडियो में। और इसमें तो बहुत गुड़ है, तो और दोनों रुको ना, देखते हैं। की भेल यौ, देखिए ओहो नहि मिलले तऽ कहै छै आउ से। की अच्छी चीज छै, हम्म।
देखिए मेरा चूड़ा लाल चूड़ लाल बन गया। उसको